राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सच हीलिंग जोन में। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो मुझे मेरी वीडियोस को इतना लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का मेरे चैनल को और शेयर भी करने के लिए मेरी वीडियोस को। थैंक यू सो मच। आई एम सो ओवरवेलम्ड कि आपके साथ मेरी सभी वीडियोस जो हैं, वैसे तो ये जर्नल रीडिंग्स है लेकिन फिर भी आप सभी के साथ ये रेजोनेट भी कर रही हैं। मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। सो आज की हम रीडिंग शुरू करते हैं। आज की जो रीडिंग है वो कहीं ना कहीं काफी हद तक पर्सनलाइज हो जाएगी बिकॉज आई एम डूइंग टू डेक्स। सो रीडिंग है हाउ मच योर पर्सन लव्स यू। आपके जो भी पर्सन है, आप मेल है तो आपकी जो फीमेल पार्टनर है, और आप अगर फीमेल हैं तो मेल पार्टनर आपसे कितना प्यार करते हैं। देयर ट्रूएस्ट इनसाइड फीलिंग्स फॉर यू, उनकी इन डेप्थ फीलिंग्स आपके लिए क्या है। प्यार में कितना कितना नहीं होता, मैं हमेशा बोलती हूँ, बट फिर भी स्टिल प्यार की इंतहा कितनी है ना। मतलब ये किस लेवल वाला प्यार है कौन से ग्रेड वाला प्यार है। सो आई डू हैव टू डेक्स। आप इंट्यूटिवली एक डेक चूज करें, गोल्डन डेक और ब्लैक डेक। आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, लंबा गहरा सांस भरें, टेक अ डीप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। जो भी आपके माइंड में कलर आया, गोल्डन डेक या फिर ब्लैक डेक, उनमें से कोई एक चूज कर लीजिए। लेट्स फाइंड आउट। सो आई होप आप सभी ने अपना डेक चूज कर लिया है। सो आई एम टेकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैक डेक। ओके, सो हाउ मच योर पर्सन लव्स यू। टू फाइंड आउट दैट आई एम शफलिंग द कार्ड्स। मीनवाइल आप कार्ड्स के नजीज के साथ कनेक्ट करने के लिए एक बार एक हार्ट और 111 ड्रॉप कीजिए। तो देखते हैं आपके पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं, किस लेवल का प्यार करते हैं। ठीक है, कोई ऑप्शन तो नहीं है, थर्ड पार्टी तो नहीं है, सब कुछ चेक करेंगे इसमें कि कोई और किसी और की इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। वो लॉन्ग टर्म देखते हैं या जस्ट शॉर्ट टर्म है। सो लेट्स सी। करंटली मुझे ऐसा लग रहा है आपका रिलेशनशिप जो है वो कहीं ना कहीं रुका हुआ है। उसके पीछे कुछ भी कारण हो सकते हैं, पीछे पास्ट में फाइट्स वगैरह हुई हैं, कोई भी रीजन है, तो अभी वो सोच विचार में पड़े हुए हैं। देखिए, सेकंड थॉट उनके माइंड में आ रहा है इस रिलेशनशिप को लेके, और ये सेकंड थॉट आना कहीं ना कहीं वो जो चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, आप लोगों की जो फाइट्स वगैरह बहुत ज्यादा मुझे दिखाई दे रही हैं इस रिलेशनशिप में होती हैं आप दोनों की, तो कहीं ना कहीं वो चीजों को एनालाइज कर रहे हैं कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, किस तरह से आगे और एक्शन लेना चाहिए। वन मोर कार्ड टू टेक हिज और हर करंट एनर्जी। सो इन सब चीजों के कारण, ये फाइट्स के कारण, सेपरेशन के कारण, ये रीडिंग मुझे कहीं ना कहीं पूरी तरह से दिखाई दे रही है। जिन लोगों ने ब्लैक पाइल ब्लैक टैग को चूज किया है उनके वो लोग सेपरेशन में हैं या पूरी तरह से ब्रेकअप में है। टूटे हुए हैं आपके पार्टनर, और ये टूटे क्यों हुए हैं अभी हम चेक करेंगे आगे। बहुत ज्यादा मेरे को टूटन दिखाई दे रही है क्योंकि माइंड गेम्स बहुत ज्यादा हुई है। पैशन भी था लेकिन लड़ाइयां भी थी, प्यार भी था, स्टेबिलिटी भी थी, लेकिन फिर से अगेन इक्वल गिव एंड टेक भी रहा था पास्ट में। लेकिन अभी क्या है, अभी सिचुएशन ये है, स्टक है, दोनों ही अपनी अपनी सिचुएशंस में स्टक हो आप, जिसके कारण प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, कोई एक ज्यादा पावरफुल था आप दोनों में से जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं बेसिकली। ठीक है जी, वो हावी हुआ है इस रिलेशनशिप पर जिसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो लेट्स सी नाउ हाउ मच योर पर्सन लव्स यू। एग्जैक्टली, ये तो आपकी करंट सिचुएशन है कि आप जो ये वीडियो देखने आए हैं इसलिए आए हैं, आपको कुछ इस समय समझ नहीं आ रहा कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते भी हैं या नहीं करते हैं। सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते भी हैं या नहीं करते हैं। तो आपको कांग्रेचुलेट करना चाहूंगी, वो आपको डेफिनेटली प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं आपके अंदर उनको अपनी पूरी दुनिया दिखाई देती है। एक जैसे इंसान अपने आप से प्यार करता है ना, अपने आप को ही सब कुछ मानता है, बिल्कुल उसी तरह से आपके पर्सन जो हैं आप ही में उनको अपनी सारी खुशियां पूरी दुनिया दिखाई देती है। प्यार आपके साथ उन्हें करना है, लड़ाई आपके साथ करनी है, ठीक है, घूमना आपके साथ है, फिरना आपके साथ है, लाइफ को एंजॉय आपके साथ करना है। तो वेरी प्योर एनर्जी,
वेरी वेरी प्योर एनर्जी एंड प्लस दिस इज अ मेजर ऑर्काना, ठीक है, डायरेक्ट इंडिकेशन दैट योर पर्सन रियली लव्स यू. अपार्ट फ्रॉम दीज फाइट्स एंड द सेपरेशन, यू आर मीन टू बी टूगेदर, ठीक है. वो इस रिलेशनशिप को राइट नाउ इस सेपरेशन के पीरियड में वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं. मैनिफेस्ट करने के साथ साथ क्योंकि वो बहुत ज्यादा इस समय दुखी हैं और कहीं ना कहीं मुझे एक थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है आपके इस रिलेशनशिप में डिस्प्यूट्स पैदा करने के लिए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जिन्होंने पैदा किए, कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जिसने माइंड गेम्स खेली हैं, ठीक है, आपके बारे में या उनके बारे में, आप दोनों में से किसी एक को उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन वगैरह दी है जिसके कारण मुझे दिखाई दे रहा है आपका ये सेपरेशन और फाइट्स हुए हैं. ये थर्ड पार्टी जो है इसने और क्या कहा है, डेफिनेटली, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा हो, अगेन मेजर ऑर्काना आपके इस रिलेशनशिप में जो आपके पार्टनर हैं वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं. दिस इज अ गुड थिंग, राइट, कि आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं. और जस्टिस भी, जस्टिस का मतलब क्या है, जो सही है वही. तो चाहे थर्ड पार्टी ने कुछ भी किया है जिसके कारण इस टाइम पर आप दोनों ही परेशान हैं, दोनों परेशान हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपको जस्टिस देना चाहते हैं. जस्टिस जो आपका रिलेशनशिप, जो आप डिजर्व करते हो, जो वो डिजर्व करते हैं, वो इस रिलेशनशिप में वो करना चाहते हैं. वन मोर कार्ड फॉर हिज फीलिंग्स राइट नाउ, मैं देख रही हूँ राइट नाउ की फीलिंग्स हैं ये, वो अपने माइंड में स्टक हैं. क्योंकि क्या हो रहा है ना, इस समय जस्टिस करने के लिए वो ओवर एनालाइज कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नेगेटिव थिंकिंग मुझे दिखाई दे रही है जिसके कारण चीजें अभी स्टक हैं, वर्कआउट नहीं हो रही है. और आपको ये लग रहा है कि इन्होंने सब कुछ इतना अच्छा अच्छा बता दिया, वो तो मेरे से बात भी नहीं कर रहे हैं या कर रही है ना. लेकिन लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली डियर, वो अपने माइंड में ना इस समय कहीं ना कहीं जो उनको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी हुई है इस वजह से स्टक हुए हैं. बिल्कुल स्टक एनर्जीज मुझे दिखाई दी हैं और इसके पीछे मुझे डायरेक्टली एक थर्ड पार्टी दिख रही है जिसके कारण ऐसा हुआ है. अदरवाइज योर पर्सन रियली 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 लव्स यू, रियली लव्स यू. एंड दिस इज नॉट दिस लाइफ टाइम रिलेशनशिप, ये आपके पिछले जन्मों का रिलेशनशिप है. वो आपके सोलमेट तो डेफिनेटली है, ठीक है, सोलमेट तो वो डेफिनेटली है आपके, ये मुझे इस कार्ड से इंडिकेट हो रहा है. और एक तो डिवाइन ने आप दोनों को मिलाया है, दूसरा वो भी मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं. और हो सकता है एनर्जीज, देखिए हम टैरो कार्ड रीडिंग्स जो है वो एनर्जीज पे होती है, हो सकता है आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हो जो इस रीडिंग को देख रहे हैं. लेट्स टेक वन मोर कार्ड, हु इज दैट थर्ड पार्टी, लेट्स सी दैट ऑल्सो, हु इज दैट थर्ड पार्टी. That is a very strong female I am getting, that could be his or her mother, ठीक है, that could be a very professionally strong female figure. आप देखिए वो कौन है आपके relationship में, आपके आसपास, जिसने उनके mind में कचरा डाला है, ठीक है, माइंड में कचरा डाला है या फिर इस तरह से चीजों को present किया है कि that you are not good enough for him or her. ठीक है, तो ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है. डेफिनेटली एक थर्ड पार्टी है जो बहुत स्ट्रांग है, बहुत वाइज है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, प्रोफेशनली बहुत स्ट्रांग है, बहुत इंटेलिजेंट भी है, एक स्ट्रेचर है, मतलब कि उनका एक पर्सोना है. ठीक है, हो सकता है कोई फेमस पर्सनैलिटी भी हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन बहुत स्ट्रांग है इतना तो श्योर है, जिससे वो इन्फ्लुएंस्ड है. एक ऐसी लेडी, एक ऐसी फीमेल फिगर जिनसे वो इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है जी. और हो साथ ही साथ अगर आप एक, जिसे कहते हैं ना, एक फीमेल अगर है तो ये एक मेल भी हो सकते हैं जो कि बहुत स्ट्रांग है. शो तो ऐसा करेंगे कि आपके लिए कितनी केयर है, कितने नर्चरिंग है, ठीक है, कितने ज्यादा इमोशनल है आपको लेके. हो सकता है डायरेक्ट थर्ड पार्टी हो ये, शो ऐसा करेंगे लेकिन ऐसा है नहीं, कनिंग है, बहुत पॉलिटिकल है, ठीक है, चीजों को उन्होंने बहुत सोच समझ के आप दोनों के बीच में बिगाड़ा है. ओके जी, तो ये तो आपकी थर्ड पार्टी बिल्कुल डायरेक्ट टैरो ने दिया, थैंक यू टैरो. अब आपके लिए एडवाइस क्या है इस सिचुएशन में, लेट्स टेक मोर कार्ड्स. आपके लिए क्या एडवाइस है, आपके लिए एडवाइस ये है, आप पॉजिटिव रहें सबसे पहले,
ठीक है, जाकर अपने पार्टनर से एक बार बात कीजिए, डायरेक्टली बात कीजिए, बिकॉज पता है मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, रिश्ते क्यों बिगड़ते हैं, हम खुल के बात नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते, कोई थर्ड पर्सन आके हमारे रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर देता है और जिसके कारण हम सफर करते रहते हैं, लेकिन हम अपनी ईगो में आके बात नहीं करते। तो बात कीजिए, अपनी ट्रू लव फीलिंग्स उनके साथ शेयर कीजिए और हो सके तो इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, सो दैट दे ऑल्सो गेट टू नो कि क्या चल रहा है, वो चीजों को कनेक्ट तो करेंगे ना। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे अभी याद आया, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है जी, शेयर जरूर कीजिए इसको, अपनी इस वीडियो को अपने पार्टनर के साथ, सो दैट दे ऑल्सो गेट टू नो ना कि क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है जी, तो आप अपनी लव फीलिंग्स को उनको जाकर बताइए, अपनी ईगो को छोड़िए, ये छोड़िए कि आप ही क्यों जाकर उनको बताएं, ठीक है, आप ही क्यों पहल करें, आप जाइए उनसे बात कीजिए, चीजें सॉर्ट आउट होने के मेरे को पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है भाई, अपने इमोशंस को शेयर करो उनके साथ, शेयर योर इमोशंस विद हिम और हर, उनके साथ उन्हें फोन कीजिए, कॉल कीजिए, उनसे मिलिए, क्योंकि ये मेरे को एक ट्रू लव दोनों ही साइड से, आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये जो एनर्जीज आई है सभी ये शो करिए, किसी थर्ड पार्टी के कारण आपका रिलेशनशिप ऐसा हुआ है, सो लेट्स सी अगर आप जाकर बात करते हैं तो आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आएंगे, आपका जो स्टेटस अभी है वाओ ब्यूटीफुल, तीनों ही कार्ड्स इतने प्यारे आए हैं, यू विल अगेन पैच अप विद ईच अदर, आपका रिकंसिलेशन 100% रहा है, देखिए तीनों कार्ड रिकंसिलेशन के, तीनों ही कार्ड रिकंसिलेशन के, यू विल गो, आप जब बात करेंगे आप इंजॉय करें, बिकॉज दे आर ऑल्सो मिसिंग यू ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप उनको मिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उनसे प्यार करें, दे ऑल्सो लव यू, दिस रिलेशनशिप इज डेस्टाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, दे ऑल्सो सी होप इन इट, और जब आप उनसे जाके बात करेंगे ना, वो होप उनको पूरी डायरेक्टली मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई देगी, आप जब उनसे बात करेंगे इसके बाद आपका रिलेशनशिप पहले से बेहतर हो जाएगा, इक्वल गिव एंड टेक शुरू हो जाएगा, इक्वल इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जीज एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में अगेन शुरू हो जाएगा, अगर पहले नहीं भी होता था तो अब शुरू हो जाएगा, और आप लाइफ को अगेन सेलिब्रेट करना शुरू कर देंगे एक दूसरे के साथ, सो वेरी 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 हार्टफुल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द पीपल हु हैड चूजन दिस ब्लैक वन डेक। आप जाइए बात कीजिए, थर्ड पार्टी कितनी ही स्ट्रांग हो लेकिन प्यार, सच्चे प्यार के आगे वो कुछ नहीं कर पाएगी, आप जाके खुल के बात कीजिए, ठीक है ना, प्यार से बात कीजिए, अपनी फीलिंग्स के साथ बात कीजिए, आपकी लाइफ फिर से, आपका रिकंसिलेशन होगा, डेफिनेटली होगा, और आप फिर से दोनों एक दूसरे के साथ हो जाएंगे, सो वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज हु हैव चूजन दिस डेक। सो अब अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सच हीलिंग जोन, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर भी ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, और आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर आप लोग आगे आने वाले टाइम में मैं रेकी का फर्स्ट लेवल फ्री ऑनलाइन शुरू करूंगी, ऑनलाइन नहीं, इसी पर वीडियोस डालूंगी फर्स्ट लेवल की, तो आपका फर्स्ट लेवल फ्री में हो जाएगा, तो आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं वीडियोज को, ठीक है जी। साथ ही साथ अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग चाहिए हो तो भी आप मेरे को कंसल्ट कर सकते हैं, आप न्यूमरोलॉजी का, टैरो का, रेकी के कोर्सेज, फर्दर कोर्सेज मेरे से कर सकते हैं, और फर्स्ट लेवल बिल्कुल फ्री सभी मेरे व्यूअर्स के लिए, यूट्यूब चैनल पर मैं अपने वीडियोस डालूंगी, आप उसको फॉलो कीजिए। सो बाय फॉर नाउ टू डेक ब्लैक डेक, नाउ इट्स टर्न टू गोल्डन डेक, सो राधे राधे गोल्डन डेक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपको कितना प्यार करते हैं, सो आप भी कार्ड की एनर्जीज के साथ, हाँ हाँ ब्लैक टैग वाले, आप इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए इसको शेयर कीजिए, साथ ही साथ यस जरूर लिखिएगा नीचे, ठीक है। सो गोल्डन डेक, आप कार्ड की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए हार्ट और 111 ड्रॉप कीजिए कमेंट सेक्शन में, सो दैट आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो जाए कार्ड की एनर्जीज के साथ और आपके अकॉर्डिंग ही रीडिंग आए। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग। सो व्हाट इज करंट सिचुएशन, ओके ओके ओके,
मैं बहुत स्ट्रांगली देख पा रही हूँ इस समय आपकी जो सिचुएशन है, आप अगेन लाइक ब्लैक डेक गोल्डन डेक मुझे दिखाई दे रहा है, ये लोग भी वो हैं जिनका सेपरेशन हुआ हुआ है। आपके पर्सन या तो आपको छोड़ के चले गए या आप अपने पर्सन को छोड़ के चले गए, और जिसके पीछे रीजन ये है कोई स्ट्रांग फीमेल फिगर, ठीक है जी, कोई स्ट्रांग फीमेल फिगर है जिसके कारण आप दोनों ही बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं, बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है आपको कि आपके साथ बहुत ज्यादा धोखा हो गया है, ठीक है, दोनों को ही लग रहा है, ये दोनों की आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं कि आप दोनों को ही लग रहा है कि आप दोनों के साथ धोखा हुआ है, किसी थर्ड पार्टी ने इंटरवेन करके इस रिलेशनशिप को खराब कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी है ना, दैट इज वेरी स्ट्रांग फिगर, बहुत स्ट्रेंथफुल है, बहुत पावरफुल है, इन्फ्लुएंशियल है सोसाइटी में, ठीक है जी, जिसके कारण या तो आप या फिर आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए। लेट सी देयर ट्रूएस्ट फीलिंग्स फॉर यू, दिस इज द करंट सिचुएशन, जो लोग जिन लोगों ने भी गोल्डन डेक को चूज किया है, दिस इज द करंट सिचुएशन, हाउ मच योर पर्सन लव्स यू, योर पर्सन लव्स यू अलॉट, दे आर नॉट कंसिडरिंग एनी वन एल्स एक्सेप्ट यू, आपके आगे वो किसी को कंसिडर नहीं करते हैं, उनके पास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है कुछ बहुत बुरा हुआ था, उनके जो पास्ट रिलेशनशिप्स थे उसमें उनको हो सकता है डिच मिला हो, डिसीट मिला हो, धोखा मिला हो, जिसके कारण वो आपके सच्चे प्यार को फिलहाल देख नहीं पा रहे, लेकिन किसी और को भी चूज नहीं कर रहे, चाहे कोई उनके सामने कितना ही अच्छा बनके दिखा रहा है लेकिन वो उसको चूज नहीं कर रहे हैं, आप उनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, वो सिर्फ आप ही को कंसिडर कर रहे हैं लेकिन हाँ फिलहाल वो आपके पास भी नहीं आ रहे, डेफिनेटली उनका पास्ट का ट्रॉमास हैं जिसके कारण अभी आपका ये जो रिलेशनशिप है ना स्टक में, बिल्कुल हॉल्ट में चला गया है, मुझे ऐसा लग रहा है पूरी तरह से सेपरेशन ही नहीं ब्रेकअप हुआ हुआ है आपका, पूरी तरह से स्टक एनर्जीज है, वो कुछ एक्शंस लेना ही नहीं चाहते इस समय, लेकिन कितना प्यार करते हैं, प्यार इतना है कि किसी और को भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, दे वॉन्ट न्यू बिगनिंग, दे वॉन्ट स्टेबल लाइफ विद यू, ठीक है, लेकिन स्टेबल लाइफ चाहते हैं, आपको प्यार इतना करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन उनकी पास्ट की एनर्जीज जो उनको धोखे मिले हैं, जिस तरह से उनको इन्फ्लुएंस किया गया, उनको इन्फॉर्म किया गया है, वो बहुत परेशान है, उनको समझ ही नहीं आ रहा वो क्या करें, ठीक है, एक और कार्ड लेंगे कि कितना प्यार करते हैं आपके पर्सन आपसे, आपके पर्सन आपसे इतना प्यार करते हैं कि उन्हें खुद भी आइडिया नहीं है, बिकॉज दिस रिलेशनशिप इज डिवाइन, इट माइट बी पॉसिबल दिस इज अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है, तो जब उन्होंने इस टाइम एक तो भगवान पे छोड़ा हुआ है और वो देख पा रहे हैं कि आप दोनों की एनर्जीज ना बहुत मैच करती हैं, तो इसीलिए जो ये अप एंड डाउन आपके रिलेशनशिप में होते हैं ना, सडन चेंजेस जो आ रहे हैं, उसके पीछे कारण यही है, आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है यहां पर पूरी तरह से, डिवाइन इज देयर प्रोटेक्टिंग यू, तो राइट टाइम पे आने पर ये सेपरेशन, ये ब्रेकअप वगैरह सब चीजें सॉर्ट आउट होंगी, ठीक है जी, बिल्कुल सॉर्ट आउट होंगी, बिकॉज दे लव यू। देखिए ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं ना उसमें बोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, दे आर टू साइड्स ऑफ वन कॉइन, लाइक टू साइड्स ऑफ वन कॉइन, तो ऑब्वियसली बात है ना, हम क्या अपने हाथ से प्यार नहीं करेंगे, हम अपने हाथ को अलग निकाल के थोड़ी ना रख देंगे, लाइक वाइज ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो अलग रह ही नहीं सकते, तो आप देखिए लेवल क्या है प्यार का, फीलिंग्स का लेवल क्या है, वो आपसे अलग रह ही नहीं सकते, इसीलिए वो इस समय परेशान है, स्टक है पूरी तरह से, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि जो भी इंसान था वो लेडी थी या मेल फिगर था, उन्होंने बहुत बुरी तरह से माइंड को ना खराब किया, रुइन किया सिचुएशन को, सो लेट सी हु इज दैट थर्ड पार्टी, ओके, मेरे को दो लोग दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, अ वेरी सक्सेसफुल मेल एंड वेरी सक्सेसफुल क्वीनली टाइप फीमेल, ये उनकी फैमिली भी हो सकती है, ठीक है डियर, और उन्होंने इतनी ज्यादा नेगेटिविटी इसमें फैलाई है ना, ये दोनों ने मिलके डेफिनेटली अ मेल एंड अ फीमेल बोथ आर देयर इन दिस सिचुएशन, उन्होंने इतनी टॉक्सिसिटी, इतनी नेगेटिविटी आपके बारे में, मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने कि आप लॉयल नहीं है इस काइंड की, कुछ ना कुछ बातें जरूर की हैं, ठीक है,
जरूर की हैं, या फिर इतनी ज्यादा आप देख पा रहे हैं ब्लैक एनर्जी, कोई बड़ी बात नहीं है, उन्होंने कोई ब्लैक मैजिक वगैरह करवाया कि आप दोनों का सेपरेशन हो जाए। और ये तभी कराना पड़ता है, अगेन दिस इज ट्विन फ्लेम, तो इसीलिए वो चाहकर भी आप लोगों को अलग नहीं कर पा रहे, बिकॉज यू बोथ यू टू आर को डिपेंडेंट, आप दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, प्यार इतना ज्यादा है। तो उनकी लगातार चीजें चलती चली आ रही है, और अभी ये जो सेपरेशन है ना, बिकॉज दे बोथ पीपल आर सो स्ट्रांग, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, स्टेटस वाइज बहुत स्ट्रांग है, जिसके कारण वो इन्फ्लुएंस कर पाए आपके पर्सन को और इस रिलेशनशिप को, ठीक है जी, वो आपको इन्फ्लुएंस कर पाए हैं इस रिलेशनशिप को खराब करने में सक्सेसफुल, इसीलिए हो पाए हैं। और लेकिन एक चीज बता दूं, ट्विन फ्लेम्स हो सकता है देर सवेर हो जाए, लेकिन मिलना तो है आप दोनों ने, वो भी चाहते हैं, आप भी चाहते हो, दोनों ने मिलना तो है। सो गाइडेंस फॉर यू, सो हियर इज द गाइडेंस फॉर यू। ओके, यू कैन मैनिफेस्ट योर लाइफ एज यू वॉन्ट। ट्विन फ्लेम्स का क्या होता है, जरूरी नहीं है शादी हो, ठीक है, सॉरी ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ गई, दुखी मत होना, और अगर आप चाहो तो आपकी शादी सिर्फ उन्हीं से होगी, दैट इज इन योर हैंड, बिकॉज प्यार बहुत है, कनेक्शन प्योर है, एनर्जेटिकली आप दोनों मिले हो, बिकॉज वन सोल है ना दोनों की, तो आप पेशेंटली वेट करो। लेट्स टेक मोर कार्ड फॉर गाइडेंस, यस, पेशेंटली वेट करो, इस पैशन को ना परसिस्टेंटली यूज करो। इस पैशन को परसिस्टेंटली कैसे यूज करोगे, कि अपने एक्शंस को बड़े वाइजली एक मैच्योर्ड वे में अब आप आगे बढ़ो, ऐसे नहीं कि बड़ी मतलब बड़े बचपने में एकदम से आगे बढ़ जाओ, अपने पर्सन से जाके बात करो, चीजों को सॉर्ट आउट, बड़े अच्छे से प्लान करो कि किस तरह से इन स्ट्रांग थर्ड पार्टीज से आप डील करें, ठीक है, पहले इन्फॉर्मेशन निकालो कि कौन है एग्जैक्टली, किसने क्या किया है, उसके अकॉर्डिंगली चलो, तो डियर आपकी शादी इनसे ही होगी, डेफिनेटली आपकी शादी इन्हीं से होगी, ठीक है। एक स्ट्रांग फाउंडेशन बिल्ड करो कि आगे इन फ्यूचर आपको कोई अलग ना कर पाए, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स कोई क्रिएट ही ना कर पाए, ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ पे मेरे को एक बहुत अच्छी लवली सी फैमिली दिखाई दे रही है, तो डरने की घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है, थर्ड पार्टीज को करने दो, उनकी गेम्स खेलने दो, मुझे बहुत अच्छा फ्यूचर दिखाई दे रहा है। लेट्स टेक वन मोर कार्ड की आउटकम क्या होगा। ओह सो नाइस, अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके रिलेशनशिप में, आपके प्यार में एक बैलेंस क्रिएट होगा, और बैलेंस क्रिएट होगा जब एनर्जीज देखिए आप दोनों की क्लियर हो जाएंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैच्योरली आप बड़े फूक फूक के कदम आगे रखेंगे, सोच विचार करके, प्लान करके, वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर अपने एक्शंस को, प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपके पर्सन तो आपसे प्यार करते ही हैं, आप भी उनसे प्यार करते ही हो, ठीक है, थर्ड पार्टीज क्या कर लेंगे, पहले पता लगाओ कि क्या रीजंस हैं, डेफिनेटली यूनियन इज देयर, ठीक है, 50-50 वाला रहेगा पूरा, आप अपना 50% दीजिए, 50% वहां से आना ही आना है, बड़ा प्यारा सा रिलेशन रहेगा, बहुत अभी ये फाइट्स वगैरह ना बाद में बड़ा कंपोज चलेगा। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, बहुत प्यारी रीडिंग है, मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम हार्टफुली, आई एम फीलिंग वेरी गुड फॉर यू, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं आगे आने वाले टाइम में बहुत जल्दी रेकी का कोर्स भी आपको इंट्रोड्यूस करूंगी, रेकी लेवल 1, जिससे आप अपनी सेल्फ को हील कर सकते हैं, जरूर मेरे साथ जुड़िएगा, रेकी हीलिंग्स भी शेयर करूंगी रिकंसिलेशन के लिए, फॉर एवरीथिंग, ठीक है, लव रिलेशंस को ठीक करने के लिए आप मेरे से रेकी हीलिंग भी ले सकते हैं, पर्सनल टैरो रीडिंग भी ले सकते हैं, न्यूमरोलॉजी से अपना नाम भी चेंज करवा सकते हैं, और आप साथ ही साथ रेकी, टैरो और न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज भी कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सच हीलिंग जोन को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताएं, क्लेम करने के लिए येस को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, अपने पार्टनर के साथ शेयर कीजिए, सो दैट उनको भी थोड़ा सा इनसाइट मिले कि चल क्या रहा है आखिर, ठीक है जी, और सब्सक्राइब करें, कीप स्माइलिंग, टेंशन की कोई बात नहीं है, बहुत प्यारी रीडिंग आई है, सब कुछ बढ़िया होगा, हैव पेशेंस, ठीक है, कीप स्माइलिंग, ठाकुर जी ब्लेस यू ऑल, राधे राधे।